राजस्थान के अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर मेहरबान हो गई है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सुरक्षा बढ़ा दी। सूबे के गृह विभाग ने वसुंधरा राजे की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। गृह विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार से सुरक्षा बढ़ाने और एस्कॉर्ट उपलब्ध कराने की मांग की थी। वसुंधरा राजे की ओर से की गई सुरक्षा बढ़ाने की मांग को गृह विभाग ने टीजी इंटेलिजेंस के पास परीक्षण के लिए भेज दिया था। टीजी इंटेलिजेंस ने वसुंधरा राजे की वर्तमान सुरक्षा के अतिरिक्त एक हथियार बंद इंस्पेक्टर के साथ दौरे के समय एस्कॉर्ट देने की सिफारिश कर दी है। डीजी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को प्रदेश भर में दौरे करने पड़ रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उमड़ रहे हैं। कई बार समर्थक वसुंधरा राजे से मिलने की कोशिश भी करते हैं। इस दौरान धक्का मुक्की में वसुंधरा राजे की सुरक्षा खतरा हो सकता है। डीजी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में ये कह भी दिया है कि दौरे के समय रास्ते में भी भीड़ के कारण वसुंधरा राजे के काफिले को गुजरने में परेशानी होती है। डीजी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया और विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे को पूर्व मुख्यमंत्री को दी जाने वाली सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। इसमें एक हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल आवास पर तैनात किए जाते हैं। इनके अलावा सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 PSO सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं। वसुंधरा राजे ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।